पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे बीसीसीआई ने टेके घुटने। नजम सेठी ने जो बोला वह कर दिखाया। अब पाकिस्तान में ही होंगे एशिया कप 2023 के सभी मुकाबले। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कई महीनों के टकराव और विवाद के बाद आखिरकार एशिया कप 2023 का हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और बीसीसीआई के बीच बना गतिरोध के कारण टूर्नामेंट के भविष्य पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब टूर्नामेंट आयोजित होने का रास्ता लगभग पूरी तरह से खुल गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टूर्नामेंट के लिए बीसीसीआई द्वारा प्रस्तावित हाइब्रिड मॉडल को एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। यानी अब हाइब्रिड मॉडल के तहत ही एशिया कप 2023 के मुकाबले खेले जाएंगे। पाकिस्तान के मेजबानी वाले टूर्नामेंट को लेकर पिछले साल अक्टूबर से ही दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड के बीच विवाद चल रहा था। बीसीसीआई ने टीम को पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया था। जवाब में पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड कप के विरोध की धमकी दी थी। फिर पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव रखा था। पीसीबी के प्रमुख नजम सेठी की तरफ से दिए गए इस प्रस्ताव पर काफी विचार के बाद अब मुहर लग गई है। यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सूत्रों के हवाले से बताया है कि मंगलवार 13 जून को काउंसिल की ओर से टूर्नामेंट के हाइब्रिड मॉडल पर आधिकारिक ऐलान हो जाएगा, जिसमें पाकिस्तान के साथ श्रीलंका में टूर्नामेंट का आयोजन होगा। टूर्नामेंट का आयोजन सितंबर में होना है। यानी इसके मुताबिक अब भारत के अलावा बाकी एशिया कप के मुकाबले पाकिस्तान में खेले जाएंगे, जबकि टीम इंडिया अपने मुकाबले अब श्रीलंका में खेलेगी। आखिरकार नजम सेठी द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मुहर लगा दी है। बस अब आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।